कक्षा चतुर्थी विषय गणित अभ्यास तीन संख्याओं में जोड़ प्रश्नावली तीन। प्रश्न चार हल कीजिए। हमारे सामने यहां एक सारणी बनी हुई है जिसके बीच में संख्या लिखी हुई है 317 और उसके आगे चिन्ह दिया हुआ है प्लस का। हमने पिछले अभ्यास में सीखा था जिस किसी भी संख्या के आगे या बीच में ऐसे प्लस का चिन्ह दिया हुआ होता है उसका अर्थ होता है हम जोड़ करना। तो ये जो संख्या दे रखी है 317 आगे सारणी में बहुत सी संख्या और दे रखी है 84, 93, 0, 27, 90, 21, 61, 72 इन सभी संख्याओं को इससे जोड़ करनी है। जोड़ करने पर जो उत्तर आएगा वो इन खाली बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यहां संख्या दे रखी है 317, यहां संख्या दे रखी है 84, इन दोनों को जोड़ा तो संख्या प्राप्त हुई हमको 401 जो यहां इस बॉक्स में लिखा हुआ है। तो अब हम भी इसकी जोड़ करेंगे। जोड़ शुरू करने में ध्यान ही रखना है जोड़ हमेशा इकाई अंक से शुरू करेंगे। तो 84 का इकाई अंक है 4 और 7 317 का इकाई अंक है 7। तो 7 और 4 हो गए 11। जब संख्या 10 या 10 से अधिक होती है तो हम उस संख्या की हासिल लगाते हैं। तो 4 और 7 11 का 1 हासिल की लग गई 1। 8 और 1 9 और 1 हासिल की 10। 10 का 0 हासिल की लग गई 1। अब यहां 3 है यहां कोई अंक नहीं है तो 3 और 1 हासिल की 4 तो ये लिख दिया 4। इस तरीके से यहां संख्या प्राप्त हुई है 401। अब हम इसकी भी जोड़ करेंगे तो यहां संख्या दे रखी है 3 यहां संख्या दे रखी है 7। तो 7 और 3 10 10 का 0 हासिल की लग गई 1। 9 और 1 10 और 1 हासिल की 11 का 1 हासिल की लग गई 1। 3 आगे कोई संख्या नहीं है तो 3 और 1 हासिल की 4 तो ये हो गया 4। इस तरीके से इस बॉक्स में संख्या आ गई 410। अब 317 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी वापस 317। अब 317 के अंदर 27 जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 14 का 4 हासिल की लग गई 1। 1 और 2 3 3 और 1 हासिल की 4 ये होता है 4। अब कोई तरह की हासिल नहीं लगी है तो 3 का 3 ये होता है तो संख्या हो गई हमारी 344। उसी तरह 317 के अंदर 90 जोड़ेंगे तो 7 और 0 7 1 और 9 1 और 9 जोड़ने पर होगी संख्या 10 तो यहां लिखेंगे 10 का 0 हासिल की लग गई 1। 3 और 1 4 इस तरीके से संख्या प्राप्त हो गई हमको 407। अब हम 317 के अंदर 21 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 1 और 2 3 और ये 3 इस तरीके से संख्या मिल गई हमको 338। 317 के अंदर 61 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 1 और 6 7 और 3 का 3 इस तरीके से प्राप्त हो गई संख्या हमको 378। अब 317 के अंदर 72 जोड़ेंगे तो 2 और 7 9 7 और 1 8 और 3 का 3 इस तरीके से हमको संख्या मिल गई 389। तो हमने इस भी प्रश्न में जोड़ की क्योंकि यहां प्लस का चिन्ह था। सभी संख्याओं के अंदर जोड़ करने पर जो जो संख्या हमको प्राप्त हुई है यहां हम जो खाली बॉक्स थे उसमें हमने पूरी की है। उसी तरह दूसरे में भी इसमें भी इसी तरह की एक सारणी दे रखी है। इसमें भी बीच में अंक दे रखा है 323 और यहां चिन्ह दिया हुआ है प्लस का यानी इसमें भी हम जोड़ करेंगे। तो यहां एक जोड़ करके बताई गई है 523 के अंदर 151 को जोड़ा तो संख्या प्राप्त हुई 674। तो इसको भी हम देखेंगे 1 और 3 4 5 और 2 7 और 1 और 5 6 1 और 5 6 इस तरीके से ये संख्या मिल गई 674। अब हम भी 523 में 400 जोड़ेंगे तो 3 के अंदर 0 जोड़ा तो 3 2 के अंदर 0 जोड़ा तो 2
तरीके से ये संख्या मिल गई हमको 923। अब 523 के अंदर 263 जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, ये उतारा 6, 2 और 6 8, ये उतारा 8, 5 और 2 7, ये उतारा 7। इसमें हमने कोई प्रकार की हासिल नहीं लगाई। हासिल जब संख्या 10 या 10 से अधिक होती है तो हासिल लगाते हैं, जब संख्या 10 से छोटी है तो हासिल नहीं लगाते हैं। उसी तरह इसकी भी जोड़ करेंगे तो 3 और 8 11। अब संख्या 10 से अधिक हो गई है तो 3 और 8 11 का 1 हासिल की लग गई 1, 2 और 8 10 और 1 हासिल की 11 का 1 हासिल की लग गई 1, 5 और 8 13 और 1 हासिल की तो 13 और 1 14। इस तरीके से ये हमने लिख दिया 14, तो संख्या प्राप्त होगी हमको 1411। अब संख्या लेने के 523 में 377 जोड़ेंगे तो 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल की लग गई 1, 2 और 7 9, 9 और 1 हासिल की 10, 10 का भी 0 हासिल की लग गई 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल की 9, ये उतारा 9। इस तरीके से ये संख्या मिलती हमको 900। 523 में संख्या जोड़ेंगे 297 तो 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल की लग गई 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल की 12।